गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा CBSE क्लास 8 स्वर संधि हिंदी। डिस्क्रिप्शन, स्वर संधि के भेदों की जानकारी। प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि के अग्रलिखित 5 भेद होते हैं, स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं, जिनमें पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यदि ह्रस्व स्वर ए ई ऊ का मेल दीर्घ स्वर आ बड़ ई बड़ ऊ के साथ में हो तो जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ बनेगा, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर मिलकर के आ बनता है, ए प्लस आ बराबर मिलकर के आ बनेगा, आ प्लस ए बराबर आ बनेगा और आ प्लस आ मिलकर के आ बनेगा, मतलब ये दीर्घ हो रहा है। इसी प्रकार से छोटी का छोटी के साथ मेल होगा तो बड़ी बनेगी, बड़ी छोटी का बड़ी के साथ मेल होगा तो बड़ी बनेगी, बड़ी का मेल बड़ी के साथ होगा तो बड़ी बनेगी और बड़ी का मेल छोटी के साथ होगा तो भी बड़ी बनेगी। ऊ ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, छोटे ऊ का बड़े ऊ के साथ में तो बड़ा ऊ बना, बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ में हो रहा है तो बड़ा ऊ बन रहा है और बड़े ऊ का बड़े ऊ के साथ मेल हो तो भी बड़ा ऊ बन रहा है। इस प्रकार से दीर्घ संधि में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर ए ई ऊ का मेल दीर्घ स्वर आ ई ऊ के साथ में हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको दीर्घ संधि कहते हैं और विकार दीर्घ ही बनेगा। इसके उदाहरण हैं हिमालय, कपीस और वधूत्सव। तो हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय हुआ, इसका हिम जो पूर्व पद उसका अंतिम वर्ण है और आलय जो है उसका शुरू का वर्ण आ, मतलब ए और आ मिलकर के आ बन रहा है। इसी प्रकार से कपीस, कपी प्लस ईस, यह संधि विच्छेद हुआ तो कपी का अंतिम वर्ण छोटी ई और ईस का शुरू का वर्ण बड़ी ई, मतलब छोटी और बड़ी का मेल होता है कपीस में, बड़ी ई हो गई, कपी में छोटी कपी थी और कपीस में बड़ी हो गई है। इसी तरह वधूत्सव में देखते हैं वधू प्लस उत्सव, वधु का अंतिम वर्ण ऊ और उत्सव का शुरू का वर्ण ऊ, मतलब छोटा और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन रहा है। इसमें वधु में छोटी ऊ की मात्रा थी तो यहाँ वधु में बड़े ऊ की मात्रा हो गई, ये विकार उत्पन्न, मतलब ऊ हट गया और उसके स्थान पर बड़ा ऊ हो गया है। इस तरह से हिमालय, कपीस और वधूत्सव में दीर्घ संधि हुई। इधर देखते हैं दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में ए ओ और ये तीन विकार उत्पन्न होते हैं। अब ये कैसे होते हैं कि यदि मान लो ए आ का मेल छोटी ई बड़ी ई तथा री के साथ में होता है तो ई ई का ए बन जाता है, ऊ ऊ का ओ बन जाता है तथा री का अर बन जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि संधि युक्त शब्द के जब संधि विच्छेद करेंगे दो टुकड़े हो जाएंगे तो पहला पद जो होगा उसका अंतिम वर्ण ए या आम में से एक आएगा और फिर मान लीजिए उसका मेल ई ई के साथ में हो रहा है तो ए बन जाएगा और ए या का मेल ई ई के ऊ ऊ के साथ में हो रहा है तो ओ बन जाएगा और ए या का मेल री के साथ में होता है तो अर बन जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। इससे समझते हैं कि ए कैसे बनता है कि पहला जो पद होगा उसका अंतिम वर्ण ए या आ होगा और फिर उसका मेल सेकंड पद के शुरू की ध्वनि ई ई के साथ में होगा तो ए बनेगा। इस तरह से ओ पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ में से एक होगा और फिर सेकंड पद का शुरू का वर्ण ऊ या ओ होगा और फिर उन दोनों का आपस मेल होगा तो ओ बनेगा। इसी तरह से री पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ होगा और सेकंड पद का शुरू का वर्ण री होगा तो अर बन जाएगा। तो ए ओ अर जो विकार उत्पन्न गुण संधि में होते हैं। इसके उदाहरण है महेश, नरोत्तम और देवर्षि। महेश महा प्लस ईस आ और ई का मेल हो रहा है तो ए बन रहा है। नरोत्तम नर प्लस उत्तम, नर का अंतिम वर्ण ए और उत्तम का ऊ, मतलब ए और ऊ का मेल हो रहा है तो ओ बन रहा है। देवर्षि में देव प्लस ऋषि, देव का अंतिम वर्ण ए और ऋषि का शुरू का वर्ण री, मतलब ए और री का मेल हो रहा है तो अर बन रहा है। इस प्रकार से महेश, नरोत्तम और देवर्षि इन तीनों उदाहरणों में गुण संधि होगी। इस प्रकार से ये स्वर संधि के दो भेद, दीर्घ और गुण, जो तीन उदाहरण है उनका अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।